हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे डॉवर बीच पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। डॉवर बीच जो पोएम है, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसमें एक स्पीकर होता है जो पूरी पोएम में वो ही बोलता है, लिसनर केवल लिसन करने का काम करता है, उनकी जो स्पीकर की बातों को केवल सुनता है, अपनी कोई भी बात उसके सामने नहीं रखता है पोएम में, और स्पीकर ही पूरे पोएम का जो मीनिंग है उसके बारे में बताता जाता है। दिस पोएम डॉवर ब्रिज इज ए लिरिक पोएम and it was first published in 1867 in the collection named New Poems. The title, locale and subject of the poems, descriptive opening lines is the shore of English port of Dover in Kent facing Calais in France. जो डोवर स्ट्रेट है वो सी इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है, और उधर इसके दूसरी साइड फ्रांस कोस्ट भी दिखाई देता है। एट द स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो डोवर स्ट्रेट है वो इन दोनों के बीच में है। द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश चैनल वेयर आर्नोल्ड हनीमूनड इन 1851 में आर्नोल्ड की शादी हुई थी फ्रांसिस लूसी बिटमैन के साथ, और शादी के तुरंत बाद वो हनीमून पर गए थे डोवर बीच पर, और वहीं पर ये पोएम उन्होंने वहाँ की जो सीनरी देखी उसको देख करके ये पोएम उनके माइंड में आई, और वहीं पर इन्होंने इस पोएम को लिखा था। Many of the beaches in this part of England are made of small stones or pebbles rather than sand, and Arnold describes the sea echoing over the stones as a grating roar. This poem, the poet expresses his frustration and hopelessness of the modern chaotic world. He also expresses his view that this kind of situation where there is neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain, has been created by the decline of faith, religious faith to be precious. मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको देख करके दुखी है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में ना ही तो जॉय है, ना ही लव है एक दूसरे के लिए, ना लाइट है, ना ही निश्चितता है, यकीन है किसी के ऊपर, ना ही पीस है, शांति है, और किसी के दुखों को देखकर ना ही कोई हेल्प करने के लिए आता है। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें फेथ का डिक्लाइन हो चुका है। एंड द पोइट इज़ वेरी सैड टू सी दिस मॉडर्न वर्ल्ड एंड ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑफ सैडनेस इन दिस पोएम। लेट्स स्टार्ट द पोएम। The sea is calm tonight. जो समुद्र है वो बिल्कुल शांत है आज रात। रात का सीन है, रात में जो पोएट है वो चारों तरफ की सीनरी को देख रहा है, और वो कह रहा है कि जो समुद्र है बिल्कुल शांत है। The tide is full. Tide बोलते हैं ज्वार भाटे को जो समुद्र में आता है, तो जो टाइड है वो बिल्कुल फुल है। मून लाइज फेयर, और जो चंद्रमा है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स, जो स्ट्रेट्स है डोवर बीच, स्ट्रेट्स ऑफ डोवर, उसके ऊपर जो चंद्रमा की रोशनी है वो पड़ रही है, और उसी कारण से चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। फ्रेंच कोस्ट तक जो मून की लाइट है वो और ज़्यादा चमक रही है, चली भी कम भी हो जाती है फिर ज़्यादा चमकने लग जाती है।
द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और जो इंग्लैंड की जो चोटियां हैं, चट्टाने हैं, वो खड़ी हुई हैं, वहाँ तक चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, ग्लिमरिंग, चमक रही है बहुत ज़्यादा एंड वास्ट, और जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उन तक चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा चमक रही है, आउट इन द ट्रंक्वल वे, और ये जो वे है बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है, तो एकांत में है, तो जो एकांत जो वे है वहाँ पर भी ये चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। कम टू द विंडो, अब जो पोइट है मैथ्यू आर्नल्ड, वो अपनी वाइफ को फ्रांसिस लूसी बिटवेन को बुलाता है, कम टू द विंडो, खिड़की पर आओ, स्वीट इज़ द नाइट एयर, जो रात में जो हवा चल रही है इज़ वेरी स्वीट, बहुत सुहावनी है, बहुत अच्छी है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, और जो समुद्र में जो ज्वार उठ रहा है उसके कारण से जो झाग बन रहा है, और झाग की एक लंबी लाइन बन रही है, लंबी लाइन दिखाई दे रही है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंच्ड लैंड, और जो सी है, जो समुद्र है, वो मिलता है किससे, द मून ब्लेंच्ड लैंड, चंद्रमा की रोशनी लैंड पर पड़ रही है, बिल्कुल फुल मून है तो वाइट रोशनी पड़ रही है, और इसी कारण से जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का वो वाइट वाइट हो रहा है, तो जो सी है वो चंद्रमा की उस वाइट जो लैंड है उससे मिलता है। लिसन, फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तुम्हें ये घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऑफ पेवल्स, किसके, जो कंकड़ है उनके घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ग्रेटिंग यानी घिसना, दो चीज़ों को घिसना, तो बोलता है कि तुम्हें जो ये पेवल्स के घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, जिन्हें लहरें, टाइड में लहरें आती है फिर वापस चली जाती है, तो जो लहरें हैं वो वापस ले जा रही है फिर लेके आ रही है, एंड फ्लिंग, और वापस फेंक देती है उन कंकड़ों को, तो उनके उन कंकड़ों को आपस में आने और जाने में जो घिसने की आवाज़ आ रही है उसको पोइट नोटिस कर रहा है, और वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि तुम भी इस आवाज़ को सुनो। एट देयर रिटर्न, जब वो लहरें वापस लौटती है अप टू द हाई स्ट्रैंड, बहुत ज़्यादा ऊंचे किनारे पर, विगिन एंड सीज, वो लहरें स्टार्ट होती है, विगिन होती है एंड सीज, फिर स्टॉप हो जाती है, एंड देन विगिन अगेन विगिन, और फिर स्टार्ट होती है, तो उन लहरों का जो आना जाना है वो चलता ही रहता है, वो अपने साथ पेवल्स को लाती है, कुछ को वहाँ छोड़ जाती है, कुछ को वापस अपने साथ ले जाती है, फिर वापस लेके आती है, तो जो ये रूटीन है, ये जो प्रोसेस है वो चलती ही रहती है, विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो, और इस कारण से जो एक कंपन की आवाज़, ट्रेमुलस कंपन की आवाज़, कैडेंस रिदम, एक रिदम बन जाती है, कप कप आती हुई रिदम, वो स्लोली स्लोली सुनाई देती है, एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और ये जो आवाज़ है कप कप आती हुई रिदम है, इससे एक सैडनेस की जो इटर्नल नोट है वो लेकर के आ रही है, वो सुनाई दे रहा है, और जो सैडनेस है वो अंदर फील हो रहा है। थैंक यू, अगले पार्ट में हम पोएम के आगे की लाइंस को पढ़ेंगे।